सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है बेटा सेक्टर है क्या। सेक्टर कैसे बनेगा, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये है सर्कल का सेंटर, दो रेडियस, रेडियाई बोलते हैं क्योंकि प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे हम, एक रेडियस हो गई ओए, दूसरी रेडियस हो गई ओ। तो सेक्टर क्या है, इन दोनों रेडियस के बीच में और इस आर्क के बीच में ये जो एरिया आया है, कौन से वाला, इसको मैं शेड कर देती हूँ, ये वाला जो एरिया है ये क्या है आपका सेक्टर है। इसको क्या बोलेंगे, आशीष सीधा बैठ जा, क्या बोलेंगे इसको, समझ आ गई बात, सेक्टर है क्या। अब सेक्टर पूरा जो पॉइंट के चारों तरफ का एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, और इस सेक्टर में कोई ना कोई पार्ट है, इसका एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कभी 30 डिग्री मिलेगा, कभी 20, कभी 15, कभी 100, कभी 150, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये एंगल गिवन होगा। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360, जो आप जीरो बोल रहे हैं, जीरो नहीं है, इट इज द एंगल थीटा जो आपको यहाँ नजर है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर। फिर हम पढ़ते हैं दो तरह का सेक्टर है बेटा आपके पास, एक तो है माइनर सेक्टर और एक है मेजर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा, मेजर मींस बड़े हो जाएंगे, यस हाँ जी। मैंने ये जो एरिया बताया माइनर का बताया या मेजर, माइनर का बताया, क्योंकि आपको दिख ही रहा है सर्कल का ज्यादा पार्ट यूज किया गया है, थोड़ा पार्ट है ये माइनर सेक्टर। तो हम जब जनरली फॉर्मूला पढ़ेंगे अगर मेंशन नहीं कर रखा तो इसका मतलब वो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। और अगर आपको कहा जाए कि आप मेजर सेक्टर का एरिया बताएंगे, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो आप माइनर सेक्टर का निकाल चुके होंगे उसको माइनस कर। एक तो मेथड ये है, मेथड आपको खुद सोचने हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको बुक में मेंशन है। हम कैसे कर रहे हैं, हमने तरीका ढूंढा इसका निकालने का, क्या कि पूरे सर्कल में से हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। मैं कह रही हूँ एक और मेथड भी हो सकता है, हम एंगल निकाल लेते हैं, यानी अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिखना है तो एंगल आप मेजर का ही निकाल लो ना, 360 में से थीटा माइनस कर दो, समझो इस बात को। ये थीटा आपको पता है, मैंने इस मेजर वाले का ही एंगल निकाल लिया, कैसे निकलेगा, पूरा एंगल 360 है, थीटा सबट्रैक्ट कर दो तो यही एंगल आ गया ना बेटा, yes, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, थीटा बाय 360 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, इससे भी आपके पास मेजर सेक्टर आ सकता है। और समझते हैं, मान लीजिए ये जो आपके पास थीटा एंगल है ये 45 डिग्री सपोज कर लो, थीटा से हमें बातें कम समझ में आ गई, आपको 45 डिग्री का एंगल दे दिया, तो एक तो मेथड ये कि पूरे सर्कल में से 45 वाला सबट्रैक्ट कर ले आप, और दूसरा मेथड क्या है कि मैं 360 में से 45 सबट्रैक्ट करके क्या लिख लूं, इसका एंगल लिख लूं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना, 360 में से क्या सबट्रैक्ट किया, 45 सबट्रैक्ट कर दिया, कितने डिग्री का एंगल बचेगा, मैंने ठीक लिखा है नहीं। अब बनाना 360 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 315 आएगा बेटा, तो 315 डिग्री का आप एरिया निकाल सकते हैं, तो यही वाला आएगा ना 315 वाला, ये ऊपर वाला ही आ जाएगा डायरेक्टली, और आप चाहते तो इसमें से माइनस करके निकाल सकते थे, यानी मर्जी आपकी है, आप 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लो एंगल को, या फिर पूरे सर्कल के एरिया में से इसको याद रहेगा फॉर्मूला, जब भी सिंपल फॉर्मूला दिया गया है तो वो माइनर सेक्टर है ना कि मेजर। यहाँ तक क्लियर है तो आगे चल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क पढ़े अब, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था क्या था, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होती है पहले तो आप ये समझ लीजिए, आर्क आप किसको कह रहे हैं, ये जो है सारी की सारी आर्क है, जो सर्कम फ्रेंड्स है उसको क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। आर्क किसका पार्ट होगी, सर्कम फ्रेंड्स का पार्ट होगी। अगर आपको इसी तरह से थीटा एंगल दे दिया यहाँ पे, ये रेडियस हो गई ए और ओ ए और ओ बी, तो ये जो पार्ट है ए, ये क्या है आर्क, इसकी लेंथ निकालनी है,
इसकी लेंथ निकालनी है तो भी इनके बीच का एंगल भी देखना आपने, कितने डिग्री एंगल थीटा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा बाय 360 इनटू 2 बाय आर। क्यों? क्योंकि जब मैं एरिया की बात कर रही थी तो वो एरिया का पार्ट था, इसीलिए हमने पाई आर स्क्वायर लिखा। अब हमने जब आर्क की बात की है तो आर्क किसका पार्ट है? अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो सेगमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। लेंथ ऑफ आर्क बेटा सर्कल की सर्कमफेरेंस का पार्ट है, और जितनी आर्क निकालनी है उसके बीच का एंगल आपको दे। ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है, हो सकता है आर्क आपकी और बड़ी हो, यानी यहाँ सेंटर है तो ये भी तो आर्क हो सकती है। बड़ी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको इस बार एंगल बड़ा दे दिया जाएगा। तो थीटा अपॉन 360, आर्क की बात की तो 2 पाई आर, अगर एरिया की बात की अंदर वाले की तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, सेगमेंट। सेगमेंट कैसे बनेगा? सेगमेंट बनेगा बेटा, इसको मैंने मिला लिया, ये है लाइन ए बी, नीचे वाली है आर्क ए। समझ आई आपको बात? अगर सिंपल ए बी लिख दिया जाए इसका मतलब ये लाइन है, अगर ए बी के ऊपर ये सिंपल लगा दिया जाए तो ये हो गया है आर्क ए। तो सेगमेंट क्या है? ये है सेगमेंट। सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन द लाइन एंड द आर्क। समझ आ रही है आपको बात? सेगमेंट क्या है? सेगमेंट वो एरिया है जो ए बी लाइन और ए बी आर्क के बीच में आपको नजर आ रहा है, यही हुआ ना सेगमेंट। क्लियर है आपको बात? अब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला कैसे है? फॉर्मूला कह रहा है आपको कि पहले आप पूरे सेक्टर का निकालो यहाँ तक का एरिया, ओके, और पूरे सेक्टर में से हम इस ट्राइंगल के एरिया को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को अगर सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, सेगमेंट। क्लियर है बात सभी को? तो फॉर्मूला भी इसी तरह का होगा, एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। जो भी आपको एंगल मेंशन होगा आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? व्हाट इज अ सेक्टर, व्हाट इज आर, व्हाट इज आर्क लेंथ, व्हाट इज अ सेगमेंट, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये निकला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, पढ़ा है ना आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बना उसी से है, लेकिन बेस और हाइट जब होती है जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल और साइन 91 होता है तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। लेकिन वो हमने सिर्फ 90 डिग्री के लिए पढ़ा था, अब हमारे पास 90 के अलावा बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं तो हमने फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग पढ़ा। 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 हो सकता है, जो जो आपने टेबल वैल्यू पढ़ रखी उन्हीं से रिलेटेड आएगा, आपको उससे अलग एंगल नहीं मिलेगा क्योंकि 10th में आपको एंगल्स फाइंड आउट करने नहीं आएंगे उससे अलग। क्लियर होंगे बेटा यहाँ तक बात? करें अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज खोल लीजिए 12.2। अभी भी मोस्ट ऑफ द क्लास तो पढ़ रही है लेकिन 4-5 ऐसे हैं जिनको बैठना ज्यादा ही मुश्किल लग रहा है। बैठ जाना चाहिए बेटा, आपके काम की ही बात है, और अगर फिर भी नहीं बैठने का मन कर रहे तो खड़े हो सकते, कोई बात नहीं। हाँ जी, करें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, आप बताइए क्या डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे वैल्यू। देखो जो भी चीजें गिवन है हम अपने क्वेश्चन की बोर्ड पे लिख लेते हैं। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालना है बेटा, यही निकालना है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा इस क्वाड्रेंट को समझ लीजिए, एक्सरसाइज में बार बार यूज होने वाला है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, सर्कल है आपके पास, सर्कल है और सर्कल के चार पार्ट्स हैं।
सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल था? 360 का. क्वाड्रेंट मतलब चार इक्वल पार्ट्स दिए, तो जो एंगल है वो कितने कितने डिग्री के हो गए? 90, 90, 90 और 90. तो अब जब भी क्वाड्रेंट की बात करेगा तो थीटा क्या है आपके पास? 90 डिग्री. क्या है थीटा? 90 डिग्री. तो क्वाड्रेंट जब भी कहा जाएगा आपको एंगल गिवन नहीं. या आप इस तरह से समझ लीजिए, क्वाड्रेंट इज 1/4. क्वाड्रेंट क्या है? सर्कल का 1/4. तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए सीधा भी लिख सकते हैं 1/4 πr², यानी सर्कल का, जैसे सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, 1/2 πr², ऐसे ही क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा? 1/4 πr². ऐसे कर लीजिए. अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था? थीटा बाई 360 πr². जब आप क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं तो एंगल कितने डिग्री हो गया? 90. पक्का? देखो आप इस थीटा के प्लेस में 90 लिख लो, कट करोगे तो 4 पे ही कट हो रहा है ना. हाँ जी, 4 पे ही तो कट हो रहा है बेटा. तो आप चाहे तो थीटा 90 रख लें, अदरवाइज अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो आप सीधा ही 1/4 भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे. अब बात करते हैं क्वेश्चन में. अब ये मुझे निकालना है, तो रेडियस होगी तभी तो निकलेगा. रेडियस दे नहीं रखी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस दे रखी है. सर्कमफ्रेंस होती है 2πr. कितनी दी हुई है? 22. यहाँ से हम r निकालते हैं, यानी 2 × 22/7 r = 22. 22 से 22 हमने कट कर दिया और r क्या आ गया? 7/2. इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, 1/4 22/7 r का स्क्वायर है, तो 7/2 × 7/2. 7 से 7 आपका कट हो गया. एक बार आप इस 2 को भी कट कर सकते हैं. 11 × 7 = 77/4 × 8 cm². आपकी जो बुक में आंसर्स है वो इसी टाइप से मिल जाएंगे आपको. इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना, आप पीछे आंसर्स देखोगे तो इसी टाइप के मिलेंगे. एमसीक्यू बेस में ये ऑप्शन, हां जी एमसीक्यू बेस में इसी टाइप के ऑप्शंस आपको नजर आएंगे. डेसिमल भी होगा. हां जी, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री, वही लेंगे बेटा जो गिवन. चल सकते हैं आगे. थर्ड को मार्क कर लो, थर्ड इंपॉर्टेंट है. कर लिया मार्क? स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए. सर आप सीधे बैठ पाएंगे? यस. हाँ जी, आपको ही कह रहा हूँ. स्टेटमेंट रीड करिए बेटा थर्ड की. द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 cm. मिनट हैंड ऑफ क्लॉक को क्या कह रहा है? लेंथ. इसको समझ लो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है सेम हो, स्टेटमेंट चेंज होते काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आपको मिलेंगे. ये कह रहा है आपके पास क्लॉक है, इसी तरह की होती होगी है ना. ये सेंटर पॉइंट जहाँ पे आपके पास मिनट हैंड और सेकंड हैंड नजर आती है या आर हैंड नजर आती है, तो मिनट हैंड को ये क्या कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ क्लॉक है ना मिनट हैंड की, वो कितनी है? कितनी दी हुई है? 14 cm. लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 14 cm. एक तो ये समझ लीजिए कि ये जो मिनट हैंड की लेंथ होगी ये आपको इस सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगी. ऐसे ही तो आएगी, ये थोड़ी पीछे होती है लेकिन हम इसको रेडियस ही मान के चलते हैं. क्यों मान के चलेंगे? क्योंकि एरिया इसने इतना ही कवर करना है, इसके कॉर्नर तक का एरिया भी कवर नहीं करती है. हम ये तो कह रहे हैं कि छोटी है लेकिन एरिया भी तो एक तक का कवर करना दिखा रखा है, तो हमारे लिए तो फिर यही बाउंड्री होगी ना सर्कल की, जहाँ पर लिखे होंगे. बाद वाली नहीं रही ना, इसीलिए हम इसी को रेडियस कंसिडर करते हैं. तो जो भी लेंथ ऑफ मिनट हैंड होगी वो आपके लिए क्या होगी? रेडियस. हो गई बात क्लियर? अब कह रहा है आपको कि कितनी देर, कितना टाइम? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. तो आप ये देखिए, मैं लिख रही हूँ एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर. एक घंटे में कितना एरिया मिनट हैंड कवर कर देती है वो देखेंगे. मिनट हैंड मान लीजिए आपकी 12 o'clock पे ही है, यहीं पे हो
ओके इसी को ओवरलैप करो और इसको पूरा घूम के यही आना है। एक घंटे में तो जहाँ की वही आ जाएगी वापस पक्का। तो आप ये बताओ कि यार ये पूरा घूम गई या नहीं? Yes, कितने डिग्री हुआ? 360 यानी 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360 पक्का। अब 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट्स ये भी आपको पता है। 60 मिनट से आप 1 मिनट का एंगल निकाल सकते हैं। 60 से डिवाइड कर दे क्या आ जाएगा? ये आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में इसको निकालें। यानी जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 6 डिग्री। ये आपको मैंने बता दिया कैसे आया है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री वो सर्कुलेट कर रही है, तो 1 मिनट का एंगल है 60। अब क्वेश्चन में आपको देख लीजिए कितने मिनट्स का पूछा गया है। 5 मिनट। जब 1 मिनट में एरिया की बजाय मैं यहाँ एंगल लिख दूं, देखो क्या लिखेंगे हम। मैं यहाँ लिखूंगी एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। हमारा क्वेश्चन तो 5 मिनट्स का है ना, तो 5 मिनट्स का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँ? 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 30 का। पक्का? निकालना क्या है? एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही तो बन गया हमारे लिए। हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर ही बन गया ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 30 बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है आपके पास 40। सभी वैल्यूज गिवन थी, तीनों वैल्यूज गिवन। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट किया, ये आ गया 12। 7 को कट करोगे 2, फिर कट करेंगे आप 6, फिर कट करेंगे तो 7, बस ये आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट दो ही चीजें इस क्वेश्चन में, एक तो जो मिनट हैंड की लेंथ है वो क्या काम करेगी? रेडियस का काम करेगी। ये बात क्लियर हो गई ना? अब मत कहना कि मैम वो बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं मिलती तो हमने रेडियस कैसे मान लिया। भाई कॉर्नर पे नहीं मिलती तो एरिया भी तो कॉर्नर वाला काउंट नहीं होता। तो हम तो अपना जो सर्कुलर रीजन है उसको यही तक लगा के चलेंगे, ये भी तो सर्कल ही बनेगा, तो इसके लिए वो रेडियस का काम करे। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज रेडियस, एंड 1 मिनट में कितना एरिया कवर होता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60। क्वेश्चन में 5 मिनट्स पूछ सकते हैं, 7 पूछ सकते हैं, 10 पूछ सकते हैं, 15 पूछ सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट हो सकती है ना। तो आपको याद रखना 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड होगी वो आपकी रेडियस है। कर लेंगे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो। फोर्थ को देखिए एक बार, पढ़िए फोर्थ की स्टेटमेंट, जल्दी से रीड करो। चलिए पहले माइनस सेगमेंट ही समझ लेते हैं क्या।
सेगमेंट अभी आपको बताया था, ये जो पार्ट है ये सेगमेंट है। फॉर्मूला आपने याद किया था। अच्छा ये भी देखना साथ में, माइनस सेगमेंट है ना, तो ये जो हम बात कर रहे हैं माइनर ही तो है। yes, लगा दो इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, पढ़ा था आपने। इस फॉर्मूले में थीटा कितने डिग्री है? 90 और आर कितना है? 10। सॉल्व कर सकते हो क्या? यस मैम। वैल्यूज दे रखी बेटा, सारी वैल्यूज रखेंगे आपके पास क्या आ जाएगी? माइनर सेगमेंट आ जाएगी। अब बात करते हैं मेजर सेक्टर की। हाँ जी, थीटा आपको दे रखा है 90, तो यहाँ क्या बनेगा? साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे आप 1 लेंगे। कर लेंगे इसको सॉल्व। आगे आ जाइए मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर अभी आपको बताया था कैसे निकालेंगे। आप क्या करें, एरिया ऑफ सर्कल में से इसको सबट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर आ जाएगा ना। या तो इस तरह से कर ले, या फिर शिवांश खड़े हो जाओ आप, या फिर दूसरा मेथड क्या है, मैं इस 90 डिग्री एंगल को छोड़ू और बाकी वाला ले, पूरा एंगल कितना था? 360 का पूरा एंगल कितने डिग्री था? 360। 90 को छोड़ देते हैं, कितना एंगल बचेगा? 270। कितना बचेगा? 270। तो सीधा ही फॉर्मूला लगा लेंगे, 270 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आप ये मेथड यूज मत करना। समझ आ रही है बात आपको? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा यूज करें। या तो पूरे सर्कल में से ये 90 बाय 360 वाला सबट्रैक्ट कर दो, या फिर पहले 90 डिग्री को ही सबट्रैक्ट करके ये निकाल लिया, ये ज्यादा इजी है। सीधा निकाल लेंगे, उसमें दो निकालने पड़ेंगे, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, 9 3 9 4 और वैल्यूज पुट कर लो, 3 बाय 4 22 बाय 7 आर आपका है 10। हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। जैसा फ्रैक्शन में आए आप वैसा ही छोड़ सकते। बेटा मैंने सबट्रैक्ट करने की बजाय ये वाला पूछा आपसे, मेजर सेक्टर, ये वाला सेक्टर पूछा है ना, तो मैंने क्या किया, इस सेक्टर का ही एंगल निकाल लिया। टोटल एंगल 360 है, 90 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ गया आपके पास? 270। तो मैंने उधर वाला ही निकाल दिया, बजाय कि पूरे में से इस छोटे वाले को सबट्रैक्ट करूं। पाई की वैल्यू दे रखी है, तो आपको पाई की वैल्यू वही देनी है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी। आप अपनी मर्जी से दूसरी वैल्यू लगे। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक का? अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन करने की टर्न आपकी है, मेरी नहीं है।